तो हम हिंदुस्तान की जो आवाज है उसको सुनकर सरकार चलाना चाहते हैं। एक व्यक्ति, जब नरेंद्र मोदी जी ने आरबीआई के गवर्नर से बिना पूछे 500 और 1000 रुपए का नोट रद्द किया, उन्होंने हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाज ने कहा है कि फाइनेंशियल मामलों में हम इस इंस्टीट्यूशन को अपना एडवाइजर बनाएंगे। मेमोरी से आया, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की आवाज बेरोजगारी की बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, किसानों की हालत की बात कर रही है, और जो आक्रमण नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी पे किया, गब्बर सिंह टैक्स पे किया, उसकी बात।